हाय ऑल, वेलकम टू द चैनल डेली नीड। और आज जो है मैं थोड़ा अपना क्लीनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। अभी हम उठ गए हैं और मेरी बेटी अभी तक सो रही है। वो सोती ही रहे तो ज़्यादा ठीक है, इसके सोने से जो है मैं काम फटाफट कर लेती हूँ। फिर जब ये उठ जाती हैं तो इनको बस मम्मा चाहिए आसपास, ये हर बच्चों का रहता है ना। तो बस ऐसे ही है कि बस मम्मी मम्मी करके जो है मम्मी का पूरा अटेंशन अपने तरफ ग्रैब करना चाहती हैं। और मैंने कोई हाउस हेल्पर नहीं रखी है, पहले थी लेकिन उनकी अचानक से शादी हो गई तो फिर मैंने उसके बाद से किसी को नहीं रखा, मैं खुद ही अब सारे काम करती हूँ। तो यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ और मैंने जो है कढ़ाई चढ़ा दी है पोहा बनाने के लिए। ये पोहे के जो है मैंने प्याज टमाटर और गाजर वगैरह काट के रख लिया है। यहाँ मेरे हस्बैंड को पता नहीं क्या सुबह सुबह शायद बॉल दिख गया सामने तो वो खेलने लग गया ब्रश करते करते। ये पोहा का मसाला है, बहुत ही अच्छा है, मैंने इसको ऑनलाइन मंगवाया है। इंदौरी पोहा मसाले के नाम से ये पैकेट आया था और बहुत ही टेस्टी है ये पोहा मसाला। ब्रेकफास्ट के लिए मैंने यहाँ पे चाय भी बना लिया है और नाश्ता जो है अब हम लोग करके फिर अपने अपने काम पर लग जाएंगे। हस्बैंड तो ऑफिस चले जाएंगे और मैं जो हूँ घर के साफ़ सफाई में लग जाऊँगी। किचन काफ़ी मेसी पड़ा हुआ है तो जो है मैं फटाफट से जो है चूल्हा उल्हा साफ़ कर रही हूँ ताकि जल्दी से जो है किचन का काम ख़त्म हो तो फिर मैं जो हूँ घर की क्लीनिंग में लगूँ। तो यहाँ मैं किचन में जो है फटाफट जो है चूल्हे वगैरह सब साफ़ कर रही हूँ और जो बर्तन हैं वो मैं खुद जो हूँ थोड़ा बहुत धो लूँगी और कुछ जो डिश वॉशर में रखने वाले बर्तन हैं उसको मैं डिश वॉशर में रख दूँगी। खुद से काम करना बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ मैं चाय पीते पीते जो है किचन की पूरी सफाई कर रही हूँ। यहाँ मैं आई तो देखने के लिए कि यहाँ पे क्या चल रहा है, तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है आफिया को नहलाने लगे थे। तो ये थोड़ा सा एक बर्डन मेरे सर से हट जाता है कि चलो पापा जो है फटाफट बेटी को नहला के कपड़ा पहना के बिल्कुल रेडी कर देते हैं मॉर्निंग के लिए। और इधर मैं आ गई किचन में और मैंने जो है फटाफट जो है मैं सारे बर्तन जो थोड़ा रिंस करके ही तब डिश वॉशर में डालती हूँ मैं बर्तन, नहीं तो डिश वॉशर जो है क्लॉग होने का थोड़ा सा चांस रहता है। तो इस वजह से मैं जो हूँ थोड़ा साफ़ आफ कर लेती हूँ हल्का फुल्का। और ये जो कढ़ाई है उसको मैंने जो है सब्ज़ी बनानी है तो इसलिए अपने हाथ से ही मैं धो के फिर इसको रीयूज़ कर लूँगी। डिश वॉशर में कुछ बर्तन पड़े हुए हैं तो उन्हें जो है मैं निकाल रही हूँ, साफ बर्तन हैं ये सारे। तो अब इनको जो है निकालने के बाद मैं जो हूँ ये सारे जो धुलने वाले बर्तन हैं मैं डिश वॉशर में लोड कर रही हूँ। लगाती तो मैं रात में ही हूँ लेकिन जो बर्तन मुझे धोने रहते हैं मैं धीरे धीरे करके डिश वॉशर में डालती चली जाती हूँ। अब मैं आ गई हूँ ड्राइंग रूम में और मैं यहाँ पे जो है क्लीनिंग में अब लग गई हूँ। पोछा पहले मैं झाड़ू लगाऊंगी उसके बाद फिर मैं जो है मॉप वगैरह करूँगी। किचन में जो है कबर्ड ये ड्रॉर वगैरह मैं कभी कभी हटा के जो है अच्छे से जो है अंदर से सफाई कर लेती हूँ, जैसे समय रहता है वैसे ही काम करती हूँ। तो आज जो है बस एक ही ड्रॉर मैंने हटाया है। अब मैं आ गई हूँ बेडरूम में, यहाँ पर आफिया जो है अपने में बात कुछ कुछ कर रही हैं और खेल रही हैं अपने में ही। और अब मेरे को देख के जो है इनको जो है बस ये है कि जल्दी से मम्मा मुझे गले लगा लें और मुझे प्यार कर ले। तो काफ़ी टाइम हो जाता है किचन में देते हुए तो ये अकेले बैठ के यहाँ पे जो है अपना खेलती भी रहती है और राइम्स वगैरह भी टीवी में सुनती है। तो थोड़ा सा इसको पैम्पर करके फिर मैं काम में लगूँगी। ये बेडशीट मैंने कल ही बिछाई थी इस वजह से मैं जो इसको फिर से रीयूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा इसको उठा के मैं अच्छे से झाड़ वाड़ लूँगी और फिर से बिछा दूँगी। और ये बेडशीट वगैरह जो है बहुत जल्दी मेरे घर में अब गंदी होने लगी है क्योंकि बेटी आ गई है तो ये ऐसे
पहले जो है मैं एक बेडशीट को 4-5 दिन बिछा लेती थी, लेकिन अब तो कभी भी ऐसा नहीं होता। हर 2 दिन पे 1 दिन पे मुझे बेडशीट हटानी पड़ती है। और इसमें जो है हमने जो है गद्दा लगा रखा है, सोफ़ा कम बेड का वो गद्दा है, और इसलिए लगा रखा है कि आफिया कभी अचानक से गिर ना जाए, तो सेफ्टी के पर्पस से जो है हमने साइड में वो गद्दा लगा के, और मैंने उसके ऊपर एक शीट बेड चादर की बिछा रखी है, और उसके ऊपर जो है मैंने इसके सारे सॉफ्ट टॉयज़ रखे हैं। लेकिन जो सॉफ्ट टॉयज़ आप लोग देख रहे हैं वो कुछ ही देर रहेगा, आफिया जैसे ही बेड पे चढ़ेंगी सारे सॉफ्ट टॉय उन्होंने उठा के नीचे फेंक देने हैं। ये देखिए ये रखा हुआ है ना, बस इसको उठाएंगी और सब कुछ नीचे फिर से चला जाएगा कि ये क्यों बैठेगा ऊपर, मैं बैठूँगी। और यहाँ पर कुछ कुछ उनको मिल जाता है अपने मतलब का सामान, और उठा के जो है उसको खेलने लग जाती हैं। अब रो रही हैं कि इसको किसी तरह मुझे खोल के दीजिए, कोई एक पैकेट उनको मिल गया है। तो उनको मैंने जो है फिर खोल उल के उनको दिया है, वो देखिए दोनों फेंक आ गया। इतनी मेहनत से भी मैंने काटा, कैची निकाला, इतना समय उसके लिए दिया, अब ये थोड़ा देर खेलेंगी, ये देखिए बस ख़त्म। और यहाँ जो है मैं बेडरूम की अब सफाई फटाफट से कर लूँगी। वो भी देखती रहती है और मुझे बहुत बार कॉपी करने की भी कोशिश करती है। बहुत छोटी है, 14 मंथ की है, लेकिन हर चीज़ बहुत जल्दी ग्रैब करने की कोशिश करती है वो। अब मैं यहाँ डस्टिंग के लिए आ गई हूँ, तो डस्टिंग हमेशा मैं डाइनिंग टेबल से ही शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे मैं फटाफट से सारे सामान हटा के अब डस्टिंग कर लूँगी। डस्टिंग मैं रोज़ ही करती हूँ, कोई भी ऐसा दिन नहीं होता कि डस्टिंग मैं ना करूँ, क्योंकि थोड़ा सा जो है घर में रौनक आ जाती है डस्टिंग करने से, हर चीज़ बहुत साफ साफ नज़र आती है। और कितनी दफ़ा ऐसा भी होता है कि बहुत डल रहती है तबीयत, लेकिन तब भी मैं झाड़ू और पोछा ज़रूर करती हूँ, दिल ही नहीं मानता है मेरा। तो यहाँ पर जो है सारी चीज़ों की डस्टिंग मैं कर रही हूँ। अब बेडरूम में आ गई हूँ। आफिया जो है बेड पे लेट के दूध पी रही हैं और राइम्स अपना देख रही हैं टीवी में। अब यहाँ मैं मॉपिंग के लिए आ गई हूँ ड्राइंग रूम में। अब फटाफट जो है सब मॉपिंग करके यहाँ पर, और मैं इधर साइड में जो है एक बेसिन छोटा सा दे रखा है फ्रिज के बगल में। ये बेसिन इतना छोटा है, इतना छोटा साइज़ में है कि बहुत ज़्यादा नीचे पानी गिरता है और गंदा भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो यहाँ मैं फटाफट से इसको भी साफ़ कर रही हूँ। किचन में आ गई हूँ। किचन में फटाफट अब मॉपिंग करके जो है काम जल्दी से ये ख़त्म होगा, फिर मैं बेडरूम की मॉपिंग करूँगी। कि मॉपिंग तो मैं अक्सर 2 या 3 बार दिन भर में कर लेती हूँ, क्योंकि पानी वगैरह बहुत गिरता है और कुछ कुछ चीज़ें जो है इधर उधर गिरी जाती है किचन में, तो उसको जो है मैं कम से कम 2 या 3 बार मॉपिंग हो ही जाती है मेरे हाथ से किचन की। अब ड्राइंग रूम में बेडरूम में आ गई हूँ और यहाँ की मॉपिंग कर रही हूँ। लास्ट वाला रूम आज मैंने क्लिप नहीं बनाया, क्योंकि वहाँ पे मेरे हस्बैंड जो हैं आज थोड़ा सा ऑफिस का काम कुछ कहने लगे कि मैं घर से ही कर लेता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद जाऊँगा ऑफिस, तो वो वहाँ पे काम कर रहे थे, इस वजह से मैंने डिस्टर्ब करना ज़रूरी नहीं समझा, तो मैंने वहाँ की क्लिप नहीं बनाई। फटाफट वहाँ से मैं साफ़ करके आ गई थी अब इस बालकनी में। यहाँ पर ये बालकनी थोड़ी सी छोटी है, और यहाँ पे जो है मैं बालकनी में ना बहुत ज़्यादा ये कबूतर वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं, वो बहुत पॉटी वोटी कर देते हैं। अभी तो बहुत कम नज़र आ रहा है, लेकिन बहुत बार जो है बहुत ज़्यादा पॉटी करके वो लोग चले जाते हैं। तो रोज़ ही जो है मैं इस बालकनी को वॉश कर लेती हूँ। बस रोज़ का रूटीन मेरा ऐसे ही रहता है, और आफिया का टेंशन नहीं रहता इन सारे कामों के साथ, क्योंकि इनके पापा इनको बिल्कुल रेडी कर देते हैं। और यहाँ पे ये जो है खेल कूद मचाई हुई है, और बेड फिर से वैसे ही ख़राब उन्होंने कर दिया है, अपने सॉफ्ट टॉयज सारे इन्होंने नीचे फेंक दिए हैं। और ये एलिफेंट के साथ ये बहुत खेलती है इनके। अब मैं थोड़ा सा आराम करूँगी, चाय आराम से बैठ के पीऊँगी नहाने के बाद, और फिर जो है मैं लंच की तैयारी करूँगी। तो ये रहा आज का मेरा रूटीन, और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए,
और बहुत शुक्रिया, मेरे वीडियोस को आप लोग देखते हैं, बहुत ज़्यादा शुक्रिया।